मेरे वालों प्रोग्राम नहीं जी है, प्रोग्राम सारिया का साझा है, सारे शहर का प्रोग्राम है। देखो जिवें कारोबार एक साल तो तबाह करके रख दिता गया, ये पाबंदियां केवल इन्हां कारोबारियों लिए, इन्हां नूं डराया जाता है क्योंकि व्यापारी बंदा डरता है कभी टैक्स के नाँ के उत्ते, कभी किसी चीज़ के नाँ के उत्ते, बेहद जिहड़ा डर है इन्हां दे मन दे विचों कढ़न लई ये प्रोग्राम रखा गया। जदों रैलियां 10-10 हज़ार बंदे दियां हो सकदियां ते की रेस्टोरेंट दे विच जां रिजॉर्ट जिहड़े 20-20 किल्लियां 'च बने ने उत्थे 20-20 बंदे चाहिए, एक एक किले 'च एक एक बंदा बिठाउणा, इस करके ये जिहड़ा प्रदर्शन रखा गया। और इहदे नाल अज मैं भी ऐलान करदा कि पूरे पंजाब 'च प्रदर्शन किए जाएंगे। ये सरकार दे जिहड़े एक कोरोना नाल नहीं लड़ रहे, ये इलैक्शन कैंपेन चला रहे अपनी कि लोगों नूं डरा के ना लोग रोटी कमा सकन, ना लोग चज की जिंदगी जी सकन। जे लोगों ने चार पैसे कमा ले, जे लोगों ने रोटी कमा ली, इन्हों को राशन, इन्हों को पेंशन, इन्हों को कौन मंगता फिरूगा? गरीबी च लोगों नूं रखना चाहते हैं और लोगों का कारोबार तबाह किया हो तुहाडे सामने। आ लोग देखो कल्ले रिजॉर्टा के मालिक नहीं, वेटर्स, डीजे वाले, लेबर, हर तरह के लोग इन्हों का जिहड़े को ढोआ ढोआई वाले ने सारे जुड़े ने। अज सारा जिहड़ा अमृतसर है तबाह करके रखा हो, 2-2.5 लाख बंदे की रोजी रोटी का सवाल है जिदे ये धरना रखा। और अज मैं ऐलान करदा सरकार च हिम्मत है तो सरकार मेरे ते परचा देवे। मैं रेस्टोरेंट रिजॉर्टा वाले नूं कहना कि खुल के अपने विआह करो, जिस तरह पंजाब तो बाहर हरियाणे हिमाचल के 500-500 बंदा है, दिल्ली के 500-500 बंदा है, हिमाचल के जिहड़ा CMO कह रहा कि टूरिस्ट वध तो वध आवे, साडे को वक्री तरह का करोना। अज मैं चैलेंज करदा सरकार नूं कि 3 महीने के करोना खत्म कर देंगा। जिहड़ा कह रहा ना कि हर मौत रोज़ 10-20 मौतां करोना ना हो रही, कल दियां मैं डिटेल्स लैनियां शुरू कीतियां ने हस्पतालां दे विचों कि किन्ने बंदे करोना ना मरे, उन्हां नूं होर किन्नियां बीमारियां सी। और तुसीं यकीन करो एक भी बंदा मैनूं इहो जिहा नहीं मिलिया जिहड़ा करोना कल्ले नाल मरिया होवे। किसी दियां किडनी अफेक्ट ने, किसी नूं कैंसर है, किसी नूं लीवर का नुक्स है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम करके जदों बंदा मरदा बट नैचुरल का करोना पॉजिटिव है। करोना कोई एड्डा वड्डा हवा नहीं है, असी लोग अपने हकों लिए लड़ना अज तो सीखन लगे हाँ। और सरकार जे गलत नीतियां साढ़े उत्ते थोपूगी तो रज के विरोध करांगे। अज मैं फिर कहना सरकार च मदद, मेरे ते परचा देवे। मैं स्कूलों बारे बोलना चाहना, मैं सारे की रह लैके बोलना चाहता, अज मैं दस देव, पर मैं इस करके नहीं बोलता कि कई मापे बड़े सेंसिटिव ने, वो सोचते हैं ये ना कल मेरे ते इल्जाम लाउण के लोगों के बच्चे मरवा देने लगा स्कूलों जाके। सारे की सहमति लैके तुसी पंजाब च देखो करोना सिर्फ 2 जगह के उत्ते है, व्याहां के उत्ते, स्कूलों के उत्ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह रैली करते हैं, सुखबीर बादल रैली करते, साडे शहर च ला लो, कल मेरा ख्याल 15 नंबर वार्ड के मेयर साहब का फंक्शन सीगा, 300 बंदा सीगा, 9 तरीक नूं अटारी कांग्रेस ने रैली रखी है, उत्थे करोना नहीं है। रिजॉर्टां के उत्ते पाबंदी लाई है, लख लाणत इहो जी सरकार के उत्ते। सुखबीर बादल ने SK रिजॉर्ट है जीरकपुर के रिजॉर्ट के 8 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लिया, ये लोग 200 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते, लाणत है सरकार के उत्ते, लाणत है। मैं कहना जी पॉलिटिशियन कोई डर ही नहीं। मैं सुखबीर बादल भी कहना चाहना कि तुम सानू लोगों मूँह चढ़ा रहे हो कि देखो मेरा सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये कानून सिर्फ ताडे लोगों लिए ने। मैं सुखबीर अपील करना कि जे तुम सच मैने पंजाब के हतैशी हो तो इन लोगों लड़ो, अपनी होंद बचाने लिए, सरकार बचाने लिए रैलियां ना करो, इन लोगों के कारोबार खिलाने लिए जिस दिन रैलियां करो कि उस दिन लोग तो वोटा पाएंगे, तुम सिर्फ अपनी होंद बचा रहे हो। मैं इन्होंने रेस्टोरेंट वाले अपील करदा कि भरावा सर जोड़े पोलीटिकल बंदे ने उन्होंने करोना नहीं हों, अपने जोड़े इतने बिले ने ना इतने ला लो, मैनू माण अकाली होते अपने वेटर से ला दो, तो फिर ते किसी ने नहीं आना। पता नहीं सुखबीर बादल तो ही कैप्टन डरता, इन्होंने लोगों तो डरता ही नहीं जोड़े लोगों ने उन्होंने वोटा पाइया। मैं सुखबीर बादल नूं कहना कि हर रिजॉर्ट के बाहर जे तू सचमुच पंजाब का भला चाहना, हर रेस्टोरेंट के बाहर अपना एक अकाली दल का वार्ड प्रधान जा मतलब जिहड़ा तेरा सर्कल प्रधान है उन्होंने खिलार दिओ, कहे भी बंदे साढ़े अंदर बैठे, तो मेरे ख्याल सरकार की हिम्मत नहीं मुड़ के उत्ते कार्रवाई करन दी। तुसी लोकां लई लड़ो जे वोटां लैणियां चाहुंदे हो, तो अज ये लोग सड़कां दे उत्ते ने, इत्थे कई वेटर्स इहो जे होणगे जिहड़े सिर्फ टिप दे उत्ते काम करदे ने। टिप के उत्ते काम करन दा मतलब है उत्थे गैसट आऊगा तो उन्होंने तनखा मिलनी, उहदी रोजी रोटी चलनी, की सोचिया इन्हां लोकां दा। कल दे मेरे कोल केस आने शुरू होए ने, 23 मार्च पिछली तो लॉकडाउन होया सीगा, 23 मार्च तो बाद कई लोगों ने किराए नहीं सी ले अपनियां बिल्डिंगां दे, उन्हां लोगों ने जिहड़े किराएदार ने उन्हां नूं नोटिस कढ़ने शुरू कर दिते ने, जां पुराना किराया जमा कराओ जां खाली कराओ। रीसां दे करदे आपां बाहरले मुल्क दीआं, बाहरले मुल्कां दे विच ते सरकार ने किराया जमा कराया। मैं भी नहीं कहिंदा कि किराए लैण वाले भी गलत हो सकदे, किसे बंदे दी रोजी रोटी किराए तो चलदी आ। सरकार ने इन्हां लोगों नूं दित्ता कि जे अज रेस्टोरेंट 9 बजे बंद कराउंदे हो,
ना बत्ती दे उत्ते रिबेट है ना टैक्स दे उत्ते है लाइसेंस रिन्यू करवाना तो वो उत्ते व्याज पाना शुरू कर दिता तो कितने जाएंगे लोग सड़कों पर उतरेंगे ना इस तो बाद आत्महत्या करनी शुरू कर देंगे सरकार कन्न खोल के सुन लवे योजे नादरशाही फरमान नहीं चले जाएंगे। लॉकडाउन तो सभी के लिए एक जैसा होगा, अब तो हमने कुछ नहीं कहा था, अभी तो इनकी बसें भी चल रही हैं, इनका हवाई जहाज चल रहे हैं, इनकी ट्रेनें चल रही हैं, इनका सभी बाजार चल रहे हैं। क्या कोरोना जो है रिजॉर्ट में ही आ गया, ये तो बताइए। अभी नाकामियों पर न जाए, हमने चार साल तो कुछ नहीं किया, हम नाकामी सामने आएगी लोगों के, इसको कोरोना की लपेट में लेकर चलाते हैं।